मैं दुनिया के बेस्ट टीचर का अवार्ड नहीं जीतना चाहता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर हर क्लास में से 5 या 7 बच्चे भी सही डायरेक्शन में चल निकले तो हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर सकता है। देखें, 2 तरह के लोग होते हैं जो दुनिया को बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। एक वो जो सोचने की सलाहियत रखते हैं और दूसरे जो उस सोच को प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। मैं हमेशा से कुछ ऐसा ढूंढता था जो इन बच्चों के अंदर छुपी सलाहियतों को निखार सके, और आखिर वो जरिया मुझे मिल ही गया। असद को बिजली की चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। वो हैरान रहता था कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। और अब बिजली और सर्किट्स के हवाले से उसकी मालूमात काबिले रश्क है। सलमान को रियाजी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, और बहुत सों की तरह वो ये नहीं जानता था कि हम मैथ्स पढ़ते क्यों हैं। मगर जब उसे ये पता चला कि कायनात का इल्म हासिल करने की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, तब से उसकी तवज्जो क्लास में हर आंखें आसमान पर टिकी रहती हैं। अमन के अब्बू पिछले दिनों सऊदीया से आ रहे थे, और हम यहाँ बैठे बैठे उनकी फ्लाइट देख रहे थे कि अब उनका जहाज एग्जैक्टली किस जगह से गुजर रहा है। मुझे याद है जब एक दिन वारिद की टीम यहाँ आई और मुझे लेनोवो का एक स्मार्टफोन और फ्री LTE इंटरनेट कनेक्शन देकर चैलेंज किया कि आप इससे क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा, क्या नहीं कर सकते। मैंने बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए उनकी तालीम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट का बेहद फायदा उठाया। मैं पता फेसबुक का वजीर आजम कौन है? मार्क ज़करबर्ग। पढ़ाई इतनी दिलचस्प हो सकती है, हम अपने जमाने में सोच भी नहीं सकते थे। मालूम है इस छोटी सी तब्दीली से फायदा क्या हुआ? इन बच्चों को लगता है कि वो जो सोच सकते हैं दर हकीकत हो भी सकता है। सर, मेरा पेन गुम गया, क्या मैं गूगल मैप पर ढूंढ लूं? मैं और मुझ जैसे बाकी असातिज़ा पाकिस्तान को स्मार्टर पाकिस्तान बनाने के लिए वारिद के बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वारिद, थैंक यू लिनोवो। 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 थैंक यू वारिद, थैंक यू लिनोवो।